हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग यूनिट टू के आगे का वीडियो बना रहे हैं। यूनिट टू में जो बच गया था, ठीक है, तो लास्ट वीडियो आपने यूनिट टू का देखा होगा, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल वाला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस के पूरे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये करने के बाद केवल फिर ये अगर आप बुक्स यूज़ कर रहे हैं तो बुक में आपने चैप्टर नंबर थ्री आप देखोगे तो यही है, सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। और उसके बाद लास्ट एक हेडिंग बचेगा बैंकिंग, जिसमें हम लोग RTGS और इसका वो बात करेंगे, तो वो हम लोग भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो ये जो आपका फाइनेंस है, फाइनेंसिंग पार्ट यूनिट टू, इसको तीन पार्ट में हम लोग ने बनाया है। ठीक है, पहला पार्ट आप देख सकते हैं इसके पहले का, ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट और बनाना बाकी है। तो स्टार्ट करते हैं। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी रिक्वायर्ड फाइनेंस। कैसा फाइनेंस जॉइंट स्टॉक कंपनी को चाहिए होता है? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है? कंपनी जो शेयर इशू करती है, तो इसका आंसर होगा थ्री, बोथ ए एंड बी। मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी चाहिए होता है और शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी चाहिए होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस आर, क्या सोर्स है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का? तो इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन अर्निंग। तो लॉन्ग टर्म का अगर आप सोर्स देखें तो आपका तीनों ही है। तो सही आंसर इसका है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं, सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस आर डिबेंचर, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव है, मतलब ये तीनों आपके सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आते हैं। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी एंड बियर्स ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस। इक्विटी शेयर इज द ओनर कैपिटल, ओनर्स कैपिटल, देयर फोर इट इज़ नोन एज। उसका सही आंसर है आपका ओनर्स इक्विटी। नेक्स्ट आते हैं, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आर, क्या फीचर्स है? पहला है ओनर कैपिटल, ओनर्स कैपिटल, दूसरा है वोटिंग राइट्स, तीसरा है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। उसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन इसलिए डिज़ाइन किए हैं ताकि आपका नोट्स की तरह भी काम करेंगे पूरा, ठीक है, और आप नोट्स की तरह लर्न कर लें, और उसके बाद अपने आप को चेक करने के लिए अभी हम लोग आगे मॉडल पेपर अपलोड करेंगे तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, तो क्या फीचर्स हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स के? पहला परमानेंट कैपिटल, दूसरा नो चेंज, नो चार्ज ऑन एसेट्स, फिर है नो बर्डन ऑन अ कंपनी ऑफ कंपनी ऑन ऑफ रिडम्पशन। तो उसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड दे बियर द प्राइमरी रिस्क। विच फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर इज दिस? तो इसका होगा ओनर्स कैपिटल। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो एक्चुअल ओनर होते हैं और जो भी प्राइमरी रिस्क होता है वही बियर करते हैं, क्योंकि ओनर ही रिस्क को बियर करता है। तो सही आंसर है आपका ओनर्स कैपिटल। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर आर द एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी, देयर परमिशन आर टेकन बिफोर एनी मेजर चेंजेस इन द कंपनी। विच फीचर्स ऑफ द इक्विटी शेयर इज दिस? तो बिना इनके परमिशन के कोई भी काम नहीं होता, इनका परमिशन लेना ज़रूरी होता है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका वोटिंग राइट्स, मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होता है जिसके थ्रू वो परमिशन देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इन ऑल द मीटिंग कंपनी द शेयर होल्डर शुड बी प्रेजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विटी शेयर इज दिस? तो कंपनी की जितनी भी मीटिंग होती है उसमें शेयर होल्डर का होना कंपलसरी होता है, तो ये किस हेड में आएगा? तो इसका सही आंसर है आपका पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि शेयर खरीद लिया मतलब
ओनर बन गए और फिर मैनेजमेंट के मीटिंग्स में जा ही नहीं रहे। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में। तो सही आंसर है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट, इक्विटी कैपिटल इज रीपेड इन द लास्ट एट द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, विच फीचर ऑफ इक्विटी शेयर इज दिस। यहाँ पे क्या है कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, मतलब जब कंपनी बंद होती है, तब पेमेंट किया जाता है इक्विटी कैपिटल का। तो सही आंसर क्या होगा इसका, पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल होने की वजह से इसको इसीलिए परमानेंट कैपिटल कहते हैं क्योंकि इसका पेमेंट हमको तुरंत नहीं करना होता है। इसका पेमेंट हम लोग तब करते हैं जब कंपनी बंद हो जाती है, तब वाइंडिंग अप के समय उसका पेमेंट करते हैं। इसीलिए जो भी पैसा हम लोग रेज करते हैं इक्विटी शेयर से उसको हम परमानेंट कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है, द कंपनी इज फ्री टू यूज इट्स प्रॉपर्टी फॉर रेजिंग लोन, विच फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर इज दिस। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, अगर आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो आपके कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं होता है, ठीक है। बर्डन नहीं होता मतलब कि आपका जो एसेट्स होता है वो फ्री होता है, आप अपने कंपनी के एसेट्स को कहीं और लगा के मॉर्टगेज करके लोन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सही पॉइंट है, नो चार्ज ऑन एसेट्स। इक्विटी शेयर इशू करने पे आपके एसेट्स पे कोई चार्ज नहीं लगता। एसेट पे चार्ज लगने का मतलब आपका एसेट्स इक्विटी शेयर के अगेंस्ट मॉर्टगेज नहीं होता कि आप जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक आप अपना एसेट्स नहीं बेच सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी डिवेंचर के संग ऐसा होता है, लोन के संग ऐसा होता है, लेकिन इक्विटी के संग ऐसा नहीं होता। इक्विटी आप जिसको भी आप बेचते हो वो आपका ओनर बन जाता है, आपके साथ हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नो चार्ज वाला कंडीशन ही रहता है, नो चार्ज ऑन एसेट्स। नेक्स्ट आते हैं, नो प्रेशर ऑन ऑन अर्निंग इज इम्पोज बाय इक्विटी शेयर होल्डर, कैपिटल इज ओनली रिफंडेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, दिस फीचर ऑफ इक्विटी शेयर इज। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि कंपनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, ठीक है, कि इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करा जाए। और कैपिटल तभी पेमेंट करने की ज़रूरत है जब कंपनी क्या बोलते हैं बंद होती है। तो दोनों ही प्रेशर यहाँ पे नहीं है, ना तो पेमेंट करने का प्रेशर है, ठीक है, और ना तो कैपिटल वापस करने का प्रेशर है। तो ऐसा कोई भी प्रेशर हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स पे नहीं होता। तो सही आंसर है आपका पॉइंट नंबर थ्री, नो बर्डन ऑन कंपनी फॉर रिडम्पशन। नेक्स्ट आते हैं, लाइबिलिटी ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर सब्सक्राइब बाय देम, विच फीचर्स ऑफ द इक्विटी शेयर इज दिस। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे, लाइबिलिटी ऑफ द इक्विटी शेयर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू, मतलब जो भी हमारे ओनर्स होते हैं उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता। मान लीजिए कंपनी लॉस में भी चली जाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि उस उनके पर्सनल प्रॉपर्टी में से वो चीज़ रिकवर किया जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो इक्विटी शेयर होता है जब वो इशू किया जाता है तो जितने भी मेंबर्स, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब जितना उन्होंने पेमेंट किया है, जितने का उन्होंने शेयर खरीदा है, वहीं तक उनकी लाइबिलिटी होती है। वो पैसा मान लीजिए खत्म हो गया तो उसके अलावा अब उनसे पर्सनल प्रॉपर्टी से कुछ भी रिकवर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए सही इसका आंसर है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो याद रखिए जब भी कोई क्वेश्चन आता है इक्विटी शेयर होल्डर का, तो इसमें याद रखिएगा कि ये यहाँ पे जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। और कितनी लिमिटेड होती है? जितने का वो शेयर खरीदे हैं वहाँ तक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जितने रुपए का वो शेयर खरीदे हुए हैं। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या है? डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, कभी कभी क्या होता है जो हमारे शेयर होते हैं वो ओवर कैपिटलाइज हो जाते हैं। कैसे? जब हम ज़्यादा शेयर इशू कर देते हैं उतने पैसे की ज़रूरत नहीं होती, तो वो पैसा फालतू का कंपनी में पड़ा होता है।
नेक्स्ट है नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपने केवल इक्विटी शेयर इशू किया है, उसके अलावा आपके पास और कोई फंड नहीं है, तो उस कंडीशन पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप और कोई फंड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको अलग से बेनिफिट मिल रहा है उस फंड का, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो कभी कभी ऐसा होता है, नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का भी सिचुएशन सामने आता है। थर्ड है लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द कंपनी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप ज़्यादा शेयर इशू कर देते हो तो आपका पूरा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। कम से कम 51% शेयर आपके पास रहेगा तभी आप कंपनी में डिसीजन ले पाओगे, और अगर आपने 51% से ज़्यादा अपने कंपनी के शेयर बेच दिए तो आपका डिसीजन लेने की जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसएडवांटेज है देखते हैं। पहला तो हाई रिस्क है, ठीक है, हाई रिस्क इसलिए है क्योंकि कभी भी कंपनी बंद हो सकती है, पैसा आपका ख़त्म। दूसरा है अनहेल्दी स्पेकुलेशन इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में रेट भी ऊपर नीचे होते हैं, बहुत सारे मतलब जो इनसाइडर ट्रेडिंग भी होती है, ठीक है, प्लस कुछ कंपनी के लोग भी कुछ गड़बड़ी करते रहते हैं, इसकी वजह से शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। और तीसरा है चांस ऑफ फ्रॉड। और कंपनी ने अगर मान लीजिए पैसे का फ्रॉड कर लिया, बहुत सारी कंपनीज का सामने आता है फ्रॉड, ठीक है, जैसे अभी तो मेजरली सत्यम ग्रुप का फ्रॉड आप देखे होंगे, रिसेंटली आया था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अकाउंट्स में फ्रॉड करके जिसमें कि शेयर का दाम 200 से 25-26 रुपये आ गए थे एक दिन में, तो इसमें भी शेयर होल्डर्स का बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये सब है चांस ऑफ फ्रॉड। तो उसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर हैव अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग मार्केट कंडीशन एंड द प्राइस ऑफ द शेयर प्राइस कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग एमंग द ऑप्शन विच डिसएडवांटेज इज दिस। यहाँ पे जो शेयर का प्राइस है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, ठीक है, मार्केट कंडीशन के हिसाब से, तो उसका सही आंसर है हाई रिस्क। ये बताया ना, मार्केट कंडीशन की वजह से भी बहुत सारे प्राइस ऊपर नीचे होता है, जैसे अब US का मार्केट गिरने लगा, चाइना का मार्केट गिरने लगा, तो ये सब मार्केट गिरने की वजह से इंडिया का मार्केट भी गिरने लगा, तो शेयर की कोई गलती नहीं है, लेकिन फॉरेन जो ग्लोबल मंदी कहते हैं, ठीक है, अदर कंट्री के जब स्टॉक एक्सचेंज गिरते हैं तो आप देखो कि इंडिया का भी स्टॉक एक्सचेंज गिरने लगता है, तो ऐसे कंडीशंस को यहाँ कंपनी की कोई गलती नहीं होती, लेकिन दाम तो कम हो ही जाता है शेयर का, तो इसीलिए हाई रिस्क मानते हैं हम लोग शेयर में। नेक्स्ट है सम टाइम इट इज सीन दैट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर चेंजेस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड द इंटरनल मैनेजमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। देखिए ये पूरी तरीके से गलत है, ठीक है, कि जो भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं कंपनी के, और जो भी इंटरनल मैनेजमेंट है, वो इन्वॉल्व हो शेयर के प्राइस को कम ज़्यादा करने में, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं अनहेल्दी स्पेकुलेशन इन शेयर मार्केट। ये लोग करते क्या हैं, इनको पता होता है कि हाँ कंपनी अभी लॉस में जाने वाली है, तो पैसा इकट्ठा करके रखे रहेंगे, शेयर गिरेगा खरीद लेंगे, इनको पता है कि मार्केट में इस साल बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, अभी कंपनी का रिजल्ट गया नहीं है मार्केट में, पहले से इनको रिजल्ट पता होता है, भाई कंपनी के ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, इनको पता है कंपनी की क्या स्थिति चल रही है, उन्होंने देखा कि कंपनी के ग्राफ काफ़ी बढ़ने वाले हैं, अभी से शेयर होल्ड करके रख लिया, तो फिर शेयर का दाम बढ़ने लगा, अच्छा पैसा कमा लिया, इसी को अनहेल्दी स्पेकुलेशंस कहते हैं। और कुछ हमारे ट्रेडर्स भी होते हैं जो जानबूझ के शेयर मार्केट का शेयर का दाम बढ़ाते हैं और फिर कम करते हैं, तो ये सब अनहेल्दी स्पेकुलेशंस इन शेयर मार्केट में आता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या राइट्स है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के, दे हैव राइट टू रिसीव द डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर। सिंपल सी बात है, सबसे पहला जो हक होता है डिविडेंड का वो होता है हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, इक्विटी के पहले ही, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले ही
दूसरा क्या है, व्हेन द अमाउंट इज बाउंड अप दे हैव राइट टू रिटर्न ऑफ द कैपिटल बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पे क्या है, एंड द कंपनी इज फाउंड अप लिखा है, इसको आप सही कर लीजिएगा, वाइंडिंग अप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन अ कंपनी इज वाइंडिंग अप, जब कंपनी का वाइंडिंग अप का सिचुएशन होता है तो उस कंडीशन पे भी इनको प्रेफरेंस दिया जाता है। पहले पैसा जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, उसके बाद जो पैसा बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोनों जगह पे प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं। तो सही आंसर है बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अलग अलग टाइप्स के नाम क्या क्या हैं, ये नाम आप लोग याद रख लीजिए। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर और भी हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं, डैश आर द दोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर हु आर एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल द अमाउंट ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड विच इज़ नॉट पेड इन द लास्ट ईयर्स। इसमें क्या है, मान लीजिए कोई कंपनी है दो तीन साल से डिविडेंड नहीं दे पा रही है, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है उनका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पा रही है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के जो डिविडेंड होते हैं वो फिक्स होते हैं, 5% 8% पहले से ही उनका फिक्स होता है। तो अगर कोई भी शेयर होल्ड कोई भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीदता है, तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीदने का ये फ़ायदा उसको मिलता है कि अगर 3 साल से प्रॉफिट नहीं हुआ है तो उसको सारे 3 साल का पूरे 3 साल का प्रॉफिट जोड़ के चौथे साल में मिल जाएगा। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर की यही खासियत होती है कि आपका प्रॉफिट कहीं जाता नहीं है, ठीक है। अगर इस साल नहीं हुआ तो अगले साल आपको मिल जाएगा, तो उसको जोड़ के आपको मिल जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, पॉइंट नंबर फर्स्ट, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट आते हैं, डैश आर दोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर। अब ऐसे कौन होते हैं शेयर होल्डर जिनको लास्ट ईयर से मतलब नहीं है, अगर इस साल प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। तो ऐसा है आंसर इसका, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो कम्युलेटिव में क्या था, जोड़ के मिल रहा था, नॉन कम्युलेटिव में खाली आपको इस साल का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको हिस्सा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो टू इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, डैश शेयर, दीज आर द शेयर विच हैव अ स्पेशल राइट टू टेक सरप्लस प्रॉफिट इफ इफ एनी आफ्टर डिविडेंड हैज बीन पेड अप टू द इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये कौन से लोग होते हैं, ऐसे कौन से शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको पहले इनका हिस्सा मिल गया, अब जो हिस्सा मिलने वाला है इक्विटी शेयर होल्डर को उसमें भी इनका हिस्सा लग जाता है, समझ रहे हैं। अपना इनका 8% का हिस्सा था वो इनको मिल गया, ये तो ठीक है, लेकिन अब जो बचा हुआ पैसा है जो उनको मिलना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, अब उसमें से भी इनको हिस्सा मिलता है। तो इनको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेफरेंस शेयर हु गेट ओनली फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पर ईयर एंड डू नॉट कैरी अ राइट टू अ पर्टिकुलर सरप्लस प्रॉफिट। तो ये ऐसे शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनका बचे हुए प्रॉफिट पे हिस्सा नहीं होता, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो पार्टिसिपेटिंग वालों का हिस्सा होता है बचे हुए प्रॉफिट पे, और नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले का हिस्सा नहीं होता है बचे हुए प्रॉफिट पे। तो इस तरीके से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, शेयर द शेयर होल्डर हु हैव राइट टू गेट देयर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। तो ऐसे कौन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जिनका शेयर बाद में वो चाहें तो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका प्रेफरेंस शेयर है एक समय के बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर टू। डैश प्रेफरेंस शेयर व्हेन द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव राइट टू कन्वर्ट। अब जहाँ राइट टू कन्वर्ट नहीं तो नॉन कन्वर्टेबल है। तो देखिए ये सब आपको नाम से पता चल जा रहा है, कन्वर्टेबल है तो कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे
आंसर आपका सही हो जाएगा। तो उसका सही आंसर पॉइंट नंबर 3 है। नेक्स्ट आते हैं, डैश शेयर आर द शेयर विच कैपिटल विल बी रिडीम बाय द कंपनी विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे कौन से शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, जिसका पैसा वापस कर दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, कब, कंपनी वाइंड अप होने से पहले ही, मतलब अब कंपनी चल रही है 3-4 साल बाद वापस करती है, तो उसको हम बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जहाँ पे पैसे रिडीम होने का चांस बना रहता है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंपनी पैसा वापस कर देती है। उसके बाद देखिए क्या है इनरिडीमेबल का, आज का आंसर इनरिडीमेबल है क्यों, आर द शेयर हुज कैन नॉट बी रिफंडेड बिफोर द वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के बाद जिसका पैसा मिलता है उसको इनरिडीमेबल बोलते हैं, और वाइंडिंग अप के पहले जिसका मिलता है उसको रिडीमेबल बोलते हैं। बहुत ईजी सा है, याद कर लेंगे बढ़िया से, नंबर अच्छे आ जाएंगे आप लोग के। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्या फीचर्स हैं प्रेफरेंस शेयर के, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंशियल आर पेड डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, जो भी आपका पहला तो प्रेफरेंशियल राइट्स मिलता है, उसके बाद जो आपके डिविडेंड होते हैं वो फिक्स रेट पे आपको मिलते हैं, पेमेंट ऑफ कैपिटल, दे हैव राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर एनी पेमेंट इफ मेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें क्या है कि जो कैपिटल है, जो कैपिटल मिलना होता है, मतलब वो कैपिटल बिफोर एनी पेमेंट इज मेड इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर से पहले इनको पैसा दिया जाता है, ये इसके फीचर्स हैं। अगर कंपनी बंद होने की स्थिति में है तो पहले जो पैसा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। थर्ड है एरियर ऑफ डिविडेंड इन एनी ईयर कैन बी एक्यूमुलेटेड एंड आर पेड, तो इसमें क्या है जो एरियर है, जो नुकसान है किसी साल का, ठीक है, वो उसको जोड़ के अगले साल में भी पे कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा था कि कुछ ऐसे भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जहाँ पे आपका पैसा अगर इस साल कंपनी नहीं पे कर पा रही है तो अगले साल जोड़ के आपको दे देती है, जैसे कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर में हम लोग ने पढ़ा था। तो उसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर हैव फॉलोइंग एडवांटेज, क्या एडवांटेज है भाई प्रेफरेंस शेयर का, पहला है फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा है नो चार्ज ऑन एसेट्स, तीसरा है नो बर्डन ऑफ फाइनेंस, फिर है ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर हैव फॉलोइंग एडवांटेज, फिर से वही क्वेश्चन, इसका क्या है, सेफ्टी ऑफ फंड, फंड आपका सेफ होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फिर नो चार्ज ऑन एसेट्स, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। अब देखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैन बी रीपेड व्हेन द कंपनी डज नॉट नीड इट, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, भाई पैसे की ज़रूरत नहीं, प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस कर दो शेयर होल्डर्स का, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ही तो है कंपनी में कि आप पैसा वापस करने का सोच रहे हो, इक्विटी का तो नहीं वापस कर सकते। नेक्स्ट है द कंपनी कीप इट्स फिक्स एसेट्स टू बी यूज फॉर रेजिंग लोन इन फ्यूचर। अब यहाँ पे क्या है, कंपनी जो है वो जो भी उसका फिक्स एसेट्स है उसको रख सकती है, फ्यूचर में उससे लोन ले सकती है, तो उसका मतलब क्या हुआ, नो चार्ज ऑन एसेट्स, कि एसेट्स पे कोई चार्ज नहीं लगा है, ठीक है, आप आराम से बाद में भी मतलब अपने जो भी एसेट्स हैं कंपनी के उसको रख के बैंक से लोन लिया जा सकता है, तो उसका सही आंसर है नो चार्ज ऑन एसेट्स, पॉइंट नंबर 2 सही आंसर है। नेक्स्ट है नो प्रेशर ऑन फाइनेंस, प्रेफरेंस शेयर डू नॉट पुट एनी प्रेशर ऑन द फाइनेंशियल पोजिशन एज डिविडेंड इज पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि कोई प्रेशर नहीं होता है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लेके कि हमको उनको पैसा देना ही देना है, ठीक है, और डिविडेंड हम वहीं से देते हैं जब प्रॉफिट आता है, उसका सही आंसर है नो बर्डन ऑन फाइनेंस। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्या डिसएडवांटेज है, कॉस्टली रिसोर्स एंड लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी, सही बात है, कॉस्टली रिसोर्स है, लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, लैक ऑफ वोटिंग राइट, वोटिंग राइट्स नहीं होता, नो कैपिटल एप्रिसिएशन, प्रेफरेंस शेयर का दाम बढ़ता घटता नहीं, जो पहले जरा तो जितने में इशू होता उतना ही फिक्स रहता है,
उसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन द कंपनी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है इसको सही कर लीजिएगा। व्हेन द कंपनी हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे इशू फुल्ली पेड अप शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्री ऑफ चार्ज, दिस इज नोन एज। तो फ्री ऑफ चार्ज अगर कंपनी किसी शेयर होल्डर को शेयर दे रही है, ठीक है, जो और वो किस में से देती है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, जो सरप्लस प्रॉफिट होता है, उसमें से कंपनी प्रॉफिट ना देके उसके बदले में कंपनी क्या करती है, शेयर दे देती है फ्री में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बोनस शेयर या फिर बोनस इशू। तो पॉइंट नंबर थर्ड सही है, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट है, अ कंपनी मस्ट फॉलो सर्टेन कंडीशन बिफोर यूज ऑफ बोनस शेयर, दी शेयर बी एडिक्वेट अनडिस्टर्ब प्रॉफिट। अब इसमें क्या बता रहा है कि अगर कोई कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है तो क्या सिचुएशन होना चाहिए। यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अनडिस्ट्रिप्टेड लिख गया है, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड कर लीजिएगा। देयर शुड बी एडिक्वेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, न्यू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कंपनी को कुछ कंडीशन फॉलो करना पड़ता है अगर कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है। पहले पहला कंडीशन क्या है कि उसके पास ढेर सारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि वो उसी प्रॉफिट में से बोनस शेयर इशू कर सकती है। दूसरा क्या है कि जितने भी हमारे सेबी के गाइडलाइंस हैं और उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, उसको परमिशन मिल जाना चाहिए सेबी से भी और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से भी। थर्ड क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में पास रिजोल्यूशन, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो उसको रिजोल्यूशन भी पास करना चाहिए मीटिंग में, ताकि सबको पता चले शेयर होल्डर्स को यहाँ बोनस शेयर मिलने वाला है। तो सही आंसर आंसर इसका है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर वांट टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब कैपिटल बाय इशू ऑफ न्यू शेयर बट बिफोर इशू द कंपनी विल फर्स्ट गिव इशू ऑफर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, दीज आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग मेंबर एट द लो प्राइस देन द मार्केट प्राइस सच शेयर इज कॉल्ड। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि जो भी जब कंपनी चाहती है कि वो अपना सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ाए, तो उसके लिए कंपनी करती क्या है, जो अपने पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको नए शेयर का ऑफर देती है, मार्केट में जाके ऑफर नहीं करती, अपने पुराने शेयर होल्डर्स को कहती है हमारा आप और शेयर खरीदो और एग्जिस्टिंग प्राइस से कम पे, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग प्राइस से कम पे, यहाँ फ्री में कुछ नहीं दे रहा है, लो प्राइस पे दे रहा है। मार्केट में अगर 100 रुपीज़ का शेयर है तो यहाँ पे 80 रुपीज़ में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये लोग ऑफर करते हैं। तो इस तरीके के शेयर को हम लोग बोलते हैं राइट शेयर। नेक्स्ट आते हैं, डैश इज द स्कीम अंडर विच द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी इज गिवन राइट टू परचेज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर एट अ पर्टिकुलर प्राइस यूजुअली बिलो द मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट कैन बी डन बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे कंपनी का जो एम्प्लॉई है, ठीक है, उसके पास राइट होता है कि वो शेयर खरीदे और स्पेसिफिक नंबर, पूरा शेयर नहीं, कुछ नंबर्स कंपनी अलॉट करती है कि 100, 200 इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, और उसको जो कंपनी अलॉट मतलब ऑफर देती है वो मार्केट प्राइस से कम पे देती है। यहाँ पर भी फ्री में नहीं मिल रहा है, ये बोनस शेयर नहीं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्री में नहीं दे रहे हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर दे रहे हैं और कम दाम पे। भाई अगर ज़्यादा दाम पे देंगे तो एम्प्लॉय जाके स्टॉक एक्सचेंज नहीं खरीद लेगा, आपसे क्यों खरीदेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉयज़ को कम दाम पे शेयर इशू करते हैं, ठीक है, और लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर इशू करते हैं तो उस कंडीशन पे। और कैसे ये होता है, इसके लिए कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है, ठीक है, जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करने के बाद वहाँ पे अप्रूवल मिलता है, तब इस ऑप्शन पे
कंपनी जा सकती है। तो इसका सही आंसर है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। नेक्स्ट आते हैं, मेरिट ऑफ ESOP आर एस फॉलोज। तो ESOP का क्या मेरिट से क्या फायदा होता है? दिस स्कीम विच शोज अ हाई पार्टिसिपेशन इन द कंपनी बाय एम्प्लॉय। कंपनी में एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए होता है कि एम्प्लॉय को भी लगे हाँ हमारी कंपनी है, हम भी ओनर बन गए, ठीक है, और मन लगाए काम करें, लंबे समय तक काम करें। द ESOP इज मीन टू अटेन द रिटेन, अटेन नहीं होगा यहाँ, रिटेन होगा, ठीक है, अटेन कट कर दीजिएगा। ESOP मीन्स रिटेन एंड मोटिवेट द गुड एंड इफेक्टिव एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे अच्छे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए भी किया जाता है ताकि वो कंपनी में लंबे समय तक काम करें। द स्कीम बूस्ट द मोरल ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉयज। यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉयज़ का मोरल ही बूस्ट होता है, सस्ते में शेयर मिल रहे हैं, कंपनी का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, ठीक है। कंपनसेशन पैकेज कितना भी लोग उसको देखते हैं, तो उसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बात है नेक्स्ट, डैश अ कंपनी में शेयर एज पर 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द इक्विटी शेयर इज इशूड बाय द कंपनी ऑफ इट्स एम्प्लॉयड डायरेक्टर और टू डिस्का और एट अ डिस्काउंट और फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। दी शेयर कैन नॉट बी रीसोल्ड बाय द होल्डर्स विद इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर, दिस इज द लॉग इन पीरियड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक अलग ऑप्शन है, यहाँ पे एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है, और किसी काम के लिए, अच्छे काम के लिए, ठीक है, या फिर कोई उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उसके बदले में ये शेयर कंपनी इशू करती है, इसको हम स्वीट शेयर कहते हैं, ठीक है। और ये जब कंपनी शेयर इशू करती है तो इस शेयर को जो जिसको भी इशू होता है वो रीसोल्ड नहीं कर सकता, 3 साल तक लॉग इन पीरियड होता है, 3 साल के बाद ही इसको बेच के पैसा निकाल सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। सही आंसर है थर्ड, स्वेट इक्विटी शेयर। नेक्स्ट है, दैट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट एवरी ईयर एंड री इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस। तो थोड़ा थोड़ा पैसा हम रिटेन कर रहे हैं और उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, तो ये किस में आएगा? तो इसको हम बोलेंगे दोनों ही इसका आंसर है, रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं इसको और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो सही ऑप्शन है 3, बोथ 1 एंड 2। अभी क्या है मेरिट्स रिटेन अर्निंग का? इट इज इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड शेयर होल्डर कैन गेट रेगुलर डिविडेंड। अब यहाँ पे क्या है, जो रिटेन अर्निंग होता है इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फाइनेंस है भाई, कहीं से आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है, बाहर से पैसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, आप अपने प्रॉफिट का हिस्सा थोड़ा थोड़ा बचा के रखते हो, बाद में उसको यूज करते हो, ठीक है। तो सब तो इससे सस्ता क्या है, द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी रिमेन फुल्ली फ्लेक्सीबल। आपकी कंपनी के फाइनेंशियल पोजिशन भी फ्लेक्सीबल रहती है, किसी से पैसा मांगे नहीं तो अपने हिसाब से काम करोगे। इट कैन यूज टू स्टेबलाइज द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, कभी कभी क्या होता है आप एक साल आपने 5% डिविडेंड दिया, अगले साल 13% दिया, फिर 2% दिया, तो आपका डिविडेंड का रेट ऊपर नीचे हो रहा है, शेयर होल्डर भी घबरा रहा है कि भाई इनका डिविडेंड ऊपर नीचे होता है। तो आपने क्या किया, रिटेन अर्निंग में थोड़ा थोड़ा पैसा रख दिया और हर साल 8% का लगातार रिटर्न दे रहे हैं, तो शेयर होल्डर भी सर्टेन रहेगा कि हाँ चलो 8% इंटरेस्ट हमको यहाँ से आना ही आना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि कंपनी करती है रिटेन अर्निंग, ताकि जो डिविडेंड का रेट ऊपर नीचे हो रहा है उसको फिक्स कर दिया जाए। उसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ रिटेन अर्निंग। क्या डीमेरिट्स है? तो हैवी री इन्वेस्टमेंट ऑफ द अर्निंग बिकॉज डिसएडवांटेज शेयर होल्डर। तो जो हैवी अर्निंग जो कंपनी की होती है वो जब कंपनी में फिर से री इन्वेस्ट होता है तो या तो ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति बनेगी और साथ ही साथ जो शेयर होल्डर होता है वो डिससेटिस्फाई होता है कि भाई हमको प्रॉफिट दे नहीं रहे हैं, सारा प्रॉफिट कंपनी में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो जो हमारे शेयर होल्डर्स, कुछ शेयर होल्डर जो होते हैं वो डिससेटिस्फाइड भी हो जाते हैं कंपनी से। इट मे लीड टू अनबैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अनबैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे
कंपनी उसी पैसे उस पैसे को उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करे तो इंडस्ट्री भी अलग अलग इंडस्ट्री ग्रो करे, तो इसमें क्या होता है एक ही इंडस्ट्री केवल ग्रो करती है। नेक्स्ट है ओवर कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर, शेयर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है क्यों कि बहुत सारा पैसा कंपनी में पड़ा रहता है, ये सब कंडीशन आते हैं। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द डैश इंक्लूड स्टॉक बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडिंग द डेप्थ वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे क्या आंसर सही है, डिबेंचर। डिबेंचर एक ऐसा चीज़ है जो कंपनी के लिए डेप्थ होता है और कंपनी के ऊपर चार्ज लगाता है, मतलब कंपनी का एसेट्स उतना कंपनी नहीं सेल कर सकती जितने का डिबेंचर इशू किया है, क्योंकि एक तरीके का सिक्योर्ड लोन होता है ये। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक एंड द फीचर्स ऑफ डिबेंचर, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं।